हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए गोल्डन पेंडा, इसे फास्ट लव भी कहते हैं। दोस्तों, कमाल का प्लांट है, येलो और इसका रेड दोनों कलर आता है, लेकिन आज मैं येलो के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, इस प्लांट का तीन एडवांटेज है। एक है ये पेरिनियल है, एक बार आप लाते हैं तो अपने घर में परमानेंटली रहता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, लो मेंटेनेंस, ये प्लांट रफ एंड टफ होता है, बिगिनर्स के लिए भी अच्छा रहता है। और देखिए, हार्डी प्लांट है, पानी आप 5-6 दिन नहीं देते हैं तो भी कुछ नहीं होता है इसे, और इसे आप पॉट में और नीचे दोनों जगह रख सकते हैं। देखिए, मेरा 3 साल का पुराना प्लांट है और इसे मैं पॉट में ही लगाया हूँ, और इसे मिट्टी और गोबर का खाद मिक्स करके लगाइए। और दोस्तों, हर 20-25 दिन में इसे DAP और पोटास, थोड़ा म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है MOP, उसे दीजिए दोस्तों। और फुल सन में रखिए इसे, सनलाइट इसे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी इसका नया ग्रोथ आएगा दोस्तों, इसे ये फूलों से भर जाएगा। और इसका कोई ऐसा खास सीजन नहीं है, ये हर सीजन में फ्लावरिंग कर देता है। अगर आप इसे रेगुलर फर्टिलाइज करेंगे तो फूलों से भर देगा ये आपके गार्डन को। और दोस्तों, प्लांट जितना ब्रांच आएगा और बूसी लुक में दिखेगा, उतना फूल आता है। तो इसे डेड हेड को आप काटिए जब ये फ्लावर खिल चुके। ये देखिए, ये मैं कट किया था और यहाँ से 2 ब्रांच निकलेगा और वहाँ से फिर फूल आएगा। तो ऐसे दोस्तों, आप इसे बूसी लुक में रखिए, और नीचे आप लगाए हैं तो बड़ा करने पर भी चलेगा, लेकिन पॉट पे आप रखे हैं तो 3-3.5 फीट का रखिए, और इससे इसका लुक्स बहुत बढ़िया आएगा। और देखिए दोस्तों, कैसे पम्पम के तरह आया है फूल, गुच्छों में बहुत बढ़िया दिखता है, और फूल लास्टिंग भी करता है दोस्तों 6-7 दिन। तो जब भी इस पर फ्लावरिंग करें दोस्तों, इसे पानी रेगुलर दीजिएगा, नहीं तो पानी कम देने पर ये फूल ख़राब हो जाते हैं। और बाकी टाइम इसे आप 2-3 दिन में एक बार पानी देने पर भी चलेगा, लेकिन जब फूल आया हो इसे पानी बराबर दीजिए। और ये देखिए, जो फ्लावर खिल जाए उसे हटा दीजिए, क्योंकि इसका सीड अगर आप बनाएंगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, एक प्लांट से आप बहुत सारे भी बना सकते हैं। और ये देखिए, फुल ब्लूम में है मेरा गोल्डन पेंडा, और ये फ्लावर अभी आगे भी लास्टिंग करेगा दोस्तों। और इसका और एक वीडियो है मेरा, रेड और गोल्डन पेंडा दोनों उस वीडियो में हैं, अगर वो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह नए नए प्लांट आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है गुलाब और कलांचू के ऊपर, तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे रिसेंट अपलोड्स को देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिएगा। ये जो गोल्डन पेंडा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका प्राइस होता है 100 से 150 रुपया, लेकिन ज़्यादा दाम नहीं है और एक बार लाने पर रहता है, तो इसे ज़रूर लाइए दोस्तों। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।